जो इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले अप्रैल में और इस अप्रैल में 917.85 करोड़ रुपया जो है जमा हुआ है, जो 30% से भी अधिक है। ये टैक्स कलेक्शन जो है, आप सब जानते हैं जम्मू से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो होती है। 1 जुलाई 2017 में जब पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी लगा, हमारे जम्मू कश्मीर में जीएसटी नहीं लगा, क्योंकि कश्मीर के लोग नहीं चाहते थे कि जीएसटी लगे। जम्मू के व्यापारी सड़कों पे उतरे और हमने विरोध प्रदर्शन किए, तो 7 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ, क्योंकि हम टैक्स सिस्टम को सरल चाहते थे। टी विभाग का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो जम्मू में जगह जगह नाके लगाए हुए हैं। उनके नाके जो है लखनपुर से लेके बनिहाल तक है, लेकिन जब कश्मीर की बारी आती है तो बिग्गी बिल्ली बन जाता है विभाग। कश्मीर के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट के कोई भी नाके नहीं है कि प्लंटी लगाता है। हालांकि विभाग का जो काम है वो ये देखना है उस सामान का टैक्स जमा करवाया है या नहीं। अगर व्यापारी ने उस सामान का टैक्स जमा कराया है तो उस छोटी छोटी गलती के कारण जो है लाखों रुपए की प्लंटी नहीं लगानी चाहिए। हमारे व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट वाले, विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले खासकर हमारे व्यापारियों को परेशानी दे रहे हैं। एक और उदाहरण दे रहा हूं, हमारे जम्मू से कश्मीर में हजारों गाड़ियां जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारी गाड़ियां टाइम से नहीं पहुंच पाती, हमारे ई वे बिल जो है एक्सपायर हो जाते हैं, तो सरकार उस हालात को समझना चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को उस हालात को समझना चाहिए, लेकिन वो समझने की बजाय हमारे दुकानदारों की गाड़ियों के ऊपर लाखों रुपए का टैक्स लगाती है, लाखों रुपए का जुर्माना लगाती है। मैं समझता हूँ हम जम्मू के व्यापारी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जीएसटी डिपार्टमेंट की जो तानाशाही है हम व्यापारी नहीं सहेंगे। मैं आपके माध्यम से जीएसटी डिपार्टमेंट को चेतावनी दे रहा हूं, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अपना रवैया नहीं बदलेगी तो हमारे दुकानदार भाई जितने भी है जम्मू के, हम बंद करके सड़कों पे आएंगे। हम ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तानाशाही जो है नहीं सहेगी। टैक्स जो है जम्मू के लोग कलेक्ट करके देते हैं, हमारे व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं, लाखों रुपए का टैक्स कलेक्ट हो रहा है। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये व्यापारियों का टैक्स दिया हुआ पैसा है। और हम चाहते हैं जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो अपनी होश में आए, और आपके माध्यम से जीएसटी कमिश्नर मैडम से भी अपील करूंगा कि जो अपने इस रवैये को ठीक करे, इस रवैये को ठीक करे। मेरे साथ तमाम जम्मू के व्यापारी बैठे हुए हैं और जो एसोसिएशन लीड करते हैं, और हम जीएसटी कमिश्नर से अपील करेंगे वो इस रवैये को ठीक करे, नहीं तो हम जो है जम्मू के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पे उतरेंगे और हम जो है अपनी बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये क्लरिकल मिस्टेक के ऊपर आप लाखों रुपए की पेनल्टी लगाते हैं।